हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हर बारी की तरह आज मैं अपने चैनल पर एक नए देश की वीडियो लेकर आया हूँ। उस देश में आप कैसे वर्क कर सकते हैं, इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं, जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं और उस देश की हिस्ट्री क्या है, बेसिक हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपको कौन से देश की वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस देश की वीडियो बना के दूँ और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा जिस देश की वीडियो आप देख रहे हैं उस देश में हम लोगों को कैसे जाना है, जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स खुली हैं, वहाँ का वीज़ा का प्रोसेस क्या है, तभी आपको लग पाएगा पता अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आज जिस देश की बात कर रहा हूँ, जिस देश की मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, उस देश का नाम है जॉर्डन। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जॉर्डन के बारे में, काफ़ी फेमस कंट्री है, यहाँ पर बहुत इंडियन वर्कर काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हर ट्रेड की वैकेंसीज खुलती हैं और वहाँ पर जॉब सेक्टर बहुत हैं। तो दोस्तों, पहले मैं जॉर्डन के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज दूंगा कि वो किस धर्म से रिलेटेड देश है, वो कौन कौन से देशों के साथ लगता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ जॉर्डन की। जॉर्डन एक टूरिस्ट और वर्किंग कंट्री है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस भी बहुत हैं, काम भी बहुत ज़्यादा है और इसको हम किंगडम ऑफ जॉर्डन भी बोलते हैं। कैपिटल अमान है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ पर और तभी इसकी कैपिटल है। तो जॉर्डन मिडल ईस्ट कंट्री है, जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक और यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है और भी भाषाएं बहुत बोली जाती हैं, मगर जो इनकी राष्ट्रीय भाषा है वो है अरेबिक। यहाँ पर इस्लामी धर्म के लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं और भी काफ़ी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये लोग आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। तो जो इसकी करेंसी है वो है जॉर्डन दिनार, जिसकी आज इंडिया में रेट है 102 रुपये। मीन की शेयर मार्केट के साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, मगर जिस दिन भी आप खोलोगे तो ये 100 के ऊपर ही रेट रहता है इसका। तो यहाँ की जो करेंसी है बहुत हाई है। जॉर्डन के जो पड़ोसी देश हैं वो है सीरिया, इराक, सऊदी अरब और इजराइल। जॉर्डन एक सेफ कंट्री है, जो यहाँ पर टूरिस्ट पर जो लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, जो वर्क करने के लिए आते हैं, उनके लिए बिल्कुल टोटली सेफ कंट्री है। मगर हाँ, उतनी सख्त भी है कानून की तरफ से, अगर आप वहाँ पर गलती करोगे, कोई जानबूझ के ऐसा कोई केस करोगे तो उसके लिए बहुत ही सख्त कानून है वहाँ पर। यहाँ पर जो फेमस चीज़ें हैं वो है हिस्टोरिकल प्लेस और यहाँ पर चर्च बहुत पुरानी हैं, अच्छी अच्छी चर्चें हैं यहाँ पर और मस्जिद, मीन कि जिसको हम मस्जिद बोलते हैं, वो बहुत पुरानी हैं, बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें देखने लायक है, जिनको देखने के लिए टूरिस्ट फॉरेन कंट्री से जॉर्डन में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक टूरिस्ट प्लेस कंट्री भी है। अभी बात करते हैं जॉर्डन के जॉब सेक्टर की। तो जो मैं आपको जॉब सेक्टर बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन रहा है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड मिनरल, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, आईटी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सर्विस एंड टूरिज्म, ये यहाँ के जॉब सेक्टर हैं। अभी बात करते हैं इन डिमांड जॉब्स। ये जो मैं आपको जो जॉब सेक्टर बताए हैं, इन्हीं में से हर वक्त जॉब निकलती रहती हैं और आप लोगों को जॉब का कैसे पता लगेगा कि जॉर्डन में जॉब अभी कौन सी निकली है। जॉर्डन के जॉब पोर्टल में आप जाइए, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर सर्च करके जॉर्डन जॉब पोर्टल, आपको जॉर्डन के जॉब पोर्टल मिल जाएंगे। आप उनमें जाएं, रजिस्टर करवाएं अपने आप को, फिर उसके बाद उनके जॉब पोर्टल पर इतनी वैकेंसीज खुली मिलेंगी आपको। आप जैसे ही अपने ट्रेड के मुताबिक आपने वैकेंसीज देखी और आप उसी टाइम अपना रिज्यूम सेंड करें। रिज्यूम मैं हर बारी की तरह आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिज्यूम बना के रखें, बढ़िया आई कैचिंग रिज्यूम, उसमें
एक ही ट्रेड लिखे, जिस ट्रेड की आप महार हो, जिस ट्रेड की आपने एजुकेशन की है, आपने डिग्री की है, आपने डिप्लोमा किया, उसी ट्रेड में आपने एक्सपीरियंस भी किया है, अलग अलग ट्रेड मत लिखें उसके अंदर, एक ही ट्रेड लिखें जिसमें आप एक्सपीरियंस हो। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग कि इंटरनेशनल जो रिज्यूम है उसमें जो प्रॉपर चीज़ लिखी जाती है वही लिखना, इसके अलावा कुछ बेफालतू चीज़ें मत लिखना। तो ये एक इंटरनेशनल रिज्यूम बनाएं, फिर आप कवरिंग लेटर के साथ कंपनी को सेंड करें, थोड़ा वेट कर लें, पेशेंस रखें। आप एक ट्रेड में अलग अलग कंपनियों को रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, आप अलग अलग ट्रेड में रिज्यूम सेंड नहीं कर सकते, इस चीज़ों का ध्यान रखना। अभी काफ़ी बंदों को इस चीज़ों में परेशानी आ रही कि ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। मान लो कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप इस पे बहुत काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही रिज्यूम बनाना है। अगर आपको ड्राइवरिंग आती है तो वो उसमें मेंशन नहीं करें। आपको प्लम्बर का भी वर्क आता है, कभी आपने इंजीनियरिंग करने से पहले एक साल का डिप्लोमा किया होगा प्लम्बरिंग का, तो आपको उसका काम भी आता है, मगर वो भी मेंशन नहीं करना आपने। आपने सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसकी जो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ी है, उसके बाद उसी पर ही आपने वर्क किया है, वो ही रिज्यूम के अंदर सेंड करना। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉर्डन के अंदर काफ़ी कंपनियों में वैकेंसीज खुली हैं तो आप अलग अलग कंपनियों में रिज्यूम सेंड कर दें। अगर ऐसा ना करें कि एक कंपनी में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसीज खुली हैं, दूसरी में ड्राइवर की खुली हैं, तीसरी में प्लम्बर की खुली हैं, चौथी में कारपेंटर की खुली हैं, अगर आपको चारों काम आते हैं ना, तो गलती से भी आप अलग अलग ट्रेड की रिज्यूम सेंड मत कर देना, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको पकड़ लेगी, उसको पता लग जाएगा कि ये बंदा जबरदस्ती जॉर्डन में आना चाहता है। इसलिए आप ये गलती ना करें, नहीं तो आप परमानेंटली जॉर्डन से ब्लॉक हो सकते हैं, आपको वर्क परमिट नहीं मिल सकता। आप एक ही ट्रेड में अलग अलग कंपनी आपको कोई ना कोई कंपनी बनाएगी, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। आप ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, हमारे जो वर्कर हैं, ओनर वर्कर हैं, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, मगर इस गलतियों को सुधारें, सुधारने के बाद ही आप फॉरनर वर्कर फॉरनर में काम कर सकते हैं। तो अभी आपको इन डिमांड जॉब का पता लग गया कि इन डिमांड जॉब कैसे हम लोगों को मिल सकती है, वहाँ पर कैसे पता कर सकते हैं कि अभी जॉर्डन में जॉब खुली है कि नहीं खुली है। तो आप उनके जॉब पोर्टल पर जाकर आराम से पता कर सकते हैं कि अभी लेटेस्ट जॉब कौन कौन सी है। तो ये एक तरीका है, वहाँ पर आपको बिना पैसे लगाए आप आराम से थोड़े से ही फीस भर के, मेन की जो उनकी एम्बेसी फीस होती है वही भर के आप जॉर्डन में काम करने के लिए जा सकते हैं। अभी बात करते हैं जॉर्डन के वर्क परमिट की, वहाँ के वीज़ा की। जैसे ही आपको वहाँ का जॉब ऑफर लेटर मिलता है, डॉक्यूमेंट आप लोग जॉर्डन के अप्लायरों की कंपनी को सेंड करते हैं, उनके मुताबिक फिर वो आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। जैसे ही आपको वर्क परमिट मिलता है, वैसे ही आपने यहाँ पर जॉर्डन की एम्बेसी है वहाँ पर वर्क वीज़ा लेना है। वर्क वीज़ा और वर्क परमिट दोनों मिलने के बाद आप जॉर्डन में जा सकते हैं। जाने के बाद वहाँ पर रजिस्टर्ड परमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए आपकी कंपनी और आपका जो अप्लायर है वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। अभी बात करते हैं प्रोसेस, ई वीज़ा का प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले है कि आपने जॉब ढूंढ रही है वहाँ पर, उनके जॉब पोर्टल के थ्रू आपने वहाँ पर रिज्यूम सेंड करना है, कंपनी आपके रिज्यूम को देखेगी, चेक करेगी, फिर वो आप लोगों को जॉब ऑफर लेटर सेंड करेगी। फिर सेंड करने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी, मिलकर उसका जो आगे का काम है कि वो आपको वर्क परमिट लेगी, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वो परमिशन लेगी, बट की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उनसे बात करती है कि आप फॉरनर वर्कर को क्यों बुला रहे हैं, क्या आपको अपने जॉर्डन देश में ही कोई वर्कर नहीं मिला, तो वो उनको सर्टिफाई करेगा वहाँ का अप्लायर वहाँ की कंपनी कि मैंने एक महीना पहले ही एडवर्टाइजमेंट दे दी थी, बट कि मेरे को यहाँ पर कोई सूटेबल वर्कर नहीं मिला है, मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए मेरे को मजबूरन फॉरनर वर्कर को बुलाना पड़ रहा है। तो उसके बाद वो कंपनी को चेक करेगी, कंपनी को देखेगी कि हमारा रजिस्टर्ड है कि नहीं है, फिर वो उसको अप्रूवल दे देती है। अप्रूवल देने के बाद फिर वो आपके डॉक्यूमेंट लगाता है वर्क परमिट के लिए। फिर वर्क परमिट मिलने के बाद फिर आपको वहाँ का वर्क परमिट सेंड कर दिया जाता है और आपको जॉब ऑफर लेटर दोनों ही सेंड किए कर दिए जाते हैं। फिर आपने जॉब ऑफर लेटर और वर्क परमिट लेके जो जॉर्डन की एम्बेसी है, मीन कि आपके देश में,
अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया में जॉर्डन की एम्बेसी है, पाकिस्तान में रहते हो पाकिस्तान में जॉर्डन की एम्बेसी है, अगर आप बांग्लादेश में रहते हो बांग्लादेश में जॉर्डन की एम्बेसी है, और भी नज़दीक के जो देश हैं उनमें जॉर्डन की एम्बेसी पक्का होती है। वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर आप वर्क परमिट और आपका जॉब ऑफर लेटर है वो उनको दिखाएँ, फिर उसके बाद उनके जो पोर्टल है मीन के उनका जो वेबसाइट है वहाँ पर चेक कर लें भी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फिर वो डॉक्यूमेंट आपके साथ में लेके जाने हैं, वहाँ का जो फॉर्म है वो भी फिल करना है, वो भी साथ में लेके जाना है। उनके ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा फॉर्म, वो डाउनलोड कीजिए, भरिए और साथ में लेके जाइए। फिर वहाँ पर जाने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं तो फिर आपको मिल जाता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा का मतलब ये होता है कि आपने ट्रेवलिंग करके जॉर्डन में जाना है, क्यों, आपके पास वर्क वीज़ा भी होता है, वर्क परमिट भी होता है, फिर आपने वहाँ पर जाके रजिस्टर्ड परमिट अप्लाई करना है। उसके लिए आपका जो ऑनर है और आपका कंपनी है वो आपकी पूरी हेल्प करेगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही आप रजिस्टर्ड परमिट अप्लाई करें, और उसके ड्यूरेशन के अंदर आपको खुद अपने खर्चे पर ही रहना पड़ेगा, खुद अपने पर ही खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं देगी इसके लिए। जैसे ही आपको रजिस्टर परमिट मिलता है वैसे ही आप वर्क परमिट में वहाँ पर काम कर सकते हैं, और ये 2 साल का वर्क परमिट भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, उसके हिसाब से जो कंपनी में वर्क है उतना ही आप लोगों को वर्क परमिट मिलेगा। तो दोस्तों ये वहाँ का जो प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया, आपको पता लग गया होगा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, वो मैं बताता हूँ। कंपनी का नेम, एम्प्लॉयर नेम या वहाँ का एड्रेस, आपका खुद का नाम, वर्कर का नाम, नेशनलिटी एंड प्रोफेशंस, आप किस काम के लिए जा रहे हो, जॉब ऑफर लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेटर, पासपोर्ट और कॉपीज उसकी, मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, फ़ोटो आपके पास कंपल्सरी हो, पासपोर्ट साइज, बाकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और भी डॉक्यूमेंट है आपकी उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, आपको यहाँ पर एम्बेसी में भी जमा करने हैं, फिर आपको वो कॉपी साथ में लेके भी जानी है जॉर्डन में वहाँ के रजिस्टर्ड परमिट के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़े ना, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इस चीज़ों का पूरी वेरीफाई करें जॉर्डन जाने से पहले कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट ले लिए कि नहीं ले लिए हैं। तो इन चीज़ों का जब ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी वहाँ का रजिस्ट्रेशन परमिट मिल जाएगा, फिर आप आराम से वहाँ पर काम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक मेरी छोटी सी वीडियो थी जॉर्डन के बारे में, आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।